बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सोच और फिकर के नए जाविये नए अंदाज। इस्लामी निज़ामे सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज हर्बलिस्ट नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों बज़्मे महरवी में आपसे बात होगी साइनस पे, यानी साइनोसाइटिस और इसके बढ़ते हुए मसाइल, और ख़ास तौर पे ये नाज़रीन बच्चों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो आ रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके फैक्टर अवामल क्या हैं, और ख़ास तौर पे इसका बग़ैर ऑपरेशन के इलाज मुमकिन है और वो किस तरह से है, आइए आज हम इस पे जो है वो बात करेंगे। तो आइए चलते हैं बिला तमीद हम अपने वीडियो लेक्चर की जान। साइनस की सोजिश या साइनोसाइटिस इंसानों में पाई जाने वाली सबसे आम बीमारी तसव्वुर की जाती है। साइनोसाइटिस की इलामात नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू की इलामात से इतनी ज़्यादा मुमासलत रखती हैं कि साइनोसाइटिस को अक्सर फ्लू या सर्दी ही समझा जाता है। साइनस दरअसल हवा से भरे चैम्बर्स यानी एयर फील्ड चैम्बर्स होते हैं जो नाक के गिर्द मौजूद होते हैं। खोपड़ी और चेहरे की हड्डियों की बनावट इस तरह होती है कि उनके दरमियान ये साइनस बन जाते हैं जो हवा से भरे रहते हैं। साइनस की अंदरूनी तह एक बारीक रतूबत खारिज करती है जिसे म्यूकस कहते हैं। म्यूकस अंदरूनी तह को पूरी तरह कवर करती है ताकि इसे नम यानी मॉइस्ट रखा जा सके। इन साइनस को साफ कर रखने के लिए उनकी रतूबात के इखराज का रास्ता मौजूद होता है जो कि ड्रेनिंग का काम करता है। अगर अखराज का रास्ता बंद हो जाए तो साइनस के अंदर रतूबत जमा होना शुरू हो जाती है और बतदरीज गाढ़ी यानी थिक होती चली जाती है। ऐसे में इस रतूबत के अंदर बैक्टीरिया या वायरस की नशोनुमा तेजी से हो सकती है जो चंद दिनों में साइनस की सोजिश का बायस बनती है जिसे साइनोसाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं कि साइनोसाइटिस की जो है वो वजूहात क्या होती है। साइनोसाइटिस की कई वजूहात हो सकती हैं, मसलन नाक की हड्डी यानी पॉलिप नेजल्स, उसके बाद एलर्जी, उसके बाद नाक के गदूद का बढ़ना, चेहरे पर चोट लगना, नाक गले का ऑपरेशन हो जाना, वायरस की वजह से नज़ला ज़ुकाम और सर्दी का लगना। अब देखते हैं दोस्तों कि साइनोसाइटिस की जो इलामात होती हैं, जो इसके सिम्टम्स होते हैं, उसको भी आप तक जो है पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन इलामात को मद्देनजर रखते हुए ये जज कर सकें कि आप साइनोसाइटिस के पेशेंट हैं। इसमें सर दर्द है, बुखार, छींके आना, नाक बहना, अमूमन 4 से 5 दिन। अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाए तो ये इलामात 7 से 8 दिन तक तूल पकड़ लेती हैं। नाक से बहने वाली रतूबत जो शुरू में बेरंग होती है, बैक्टीरिया या इन्फेक्शन के बाद सब्जी माइल रंग इख्तियार कर लेती है। इस स्टेज पर इसे बैक्टीरियल साइनोसाइटिस कहा जाता है। तो दोस्तों बैक्टीरियल की इन्फेक्शन के बाद जो इलामात हैं वो भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्फेक्शन के बाद जो इलामात शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि शदीद सर में दर्द, तेज बुखार, हाई फीवर, गर्दन और जबड़ों में दर्द, नज़ला बहना, भूख में कमी, सांस लेने में दुश्वारी। आजकल के बदलते मौसम में सर्दी लगने या फ्लू की इलामात फौरी जाहिर हो जाती हैं, जबकि जरा सी बेएहतियाती फ्लू का बायस भी बन सकती है। फ्लू की इलामात जाहिर होने पर दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पिएं, ठंडा पानी तर्क कर दें और सादा पानी लें। नाक में डालने के लिए सादा पानी नॉर्मल से लाएं। आजकल के मौसम में छोटे बच्चों की नाक अक्सर बंद रहती है या बहने लग जाती है। बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो ये जो मैंने अभी आपको बताई पहले, और उसके साथ साथ बच्चों की नाक दोनों तरफ जो है वो सलाटन के 2-3 कतरे जो है वो ज़रूर डालें। गर्म पानी की भाप लें, गर्म पानी में विक्स का 1 चम्मच या टेंचर बेंजाइन को के चंद कतरे शामिल करके उसकी भाप भी ली जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों गर्म पानी में नमक और सफेदे के पत्ते डालकर उसकी भाप बनाकर उसकी स्टीम भी ली जा सकती है और उसको नाक में डालकर नाक को साफ भी किया जा सकता है। सर्दी लगना या फ्लू वायरस की वजह से होता है, ऐसी सूरत में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल गैर जरूरी है। बुखार उतारने के लिए
जो है वो आप पट्टियां भी कर सकते हैं और बुखार को उतारने के लिए आप यखनी या सूप का इस्तेमाल जो है वो भी कर सकते हैं। एंटी एलर्जी और एंटीबायोटिक अद्वियात जो दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं इस केस में, वो वक्ती तौर पर तो थोड़ा सा फायदेमंद होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है उनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आते हैं और मरीज जो है वो देखा गया कि वो आहिस्ता आहिस्ता साइनोसाइटिस से आगे चेस्ट इन्फेक्शन, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्रोंकाइटिस, और उसके बाद फिर जो है वो छाती से सीटियों की विदलिंग की आवाज़ें, और फिर नमूनिया, और उसके बाद फिर दमे तक, और फिर उसके बाद इनहेलर, और फिर सारी जिंदगी के लिए वो जो है मुख्तलिफ इन मसाइल से दो चार होते हुए अपने आप को दमे का मरीज समझते हुए सारी जिंदगी इसी पे जो है वो गुजार के दुनिया से चले जाते हैं। अगर 5-6 दिन गुजरने पर इलामात खत्म ना हो या शदीद हो जाएं तो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो सकती है, खुसूसन अगर ऊपर की इलामात जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पीछे ये इलामात भी जाहिर हो जाएं, यानी नाक बंद होना और सांस लेने में दुश्वारी, नाक बहने की सूरत में सब्जी माइल रतूबत खारिज होना, गले के पिछले हिस्से पर केरा गिरता महसूस होना, आंख नाक जबड़े गाल या दांतों के ऊपर शदीद दबाव महसूस होना, सर के अगले हिस्से में शदीद दर्द बोझ महसूस होना, बुखार मुसलसल होना या 101 डिग्री से 104.5 के दरमियान रहना। तो बहरहाल ये मालिश को दिखाने पर ही कंफर्म हो सकता है कि आपको साइनोसाइटिस है, जिसके लिए आपको लाजमी तौर पर जो है वो किसी माहिर तबीब से जो है वो राबता करना चाहिए, क्योंकि साइनोसाइटिस के लिए आम रूटीन में जो दवाइयाँ मालिश देते हैं यानी डॉक्टर देते हैं और वो एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जी जो होती हैं, ये वक्ती तौर पर तो थोड़ा सा शायद फायदा, लेकिन आपको लंबे अरसे के लिए मरीज भी बना देती हैं, और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि देखें जनाब अब आप इन दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे। इन दवाइयों से तो वैसे भी ठीक नहीं होना, लेकिन जब कुछ टाइम गुजरता है तो फिर डॉक्टर कहता है कि जनाब इसे आप ठीक नहीं हो रहे, तो अब आप जाके ऑपरेशन करवाएं। जब वो ऑपरेशन भी करवाते हैं बार बार ऑपरेशन, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके 8-8, 10-10 दफा ऑपरेशन हो चुके हैं और उसके बाद भी मसाइल जू के तू थे। तो इसलिए ऐसी चीजों से इज्तनाब करें जो आपको वक्ती थोड़ा फायदा दें और नुकसान ज्यादा करें और आपको लंबे अरसे के लिए मरीज बना दें। 8 से 10 गिलास सादा पानी या नीम गर्म पानी रोजाना जो है वो कम अज कम जरूर पिए, ताजा फल या फलों के जूस, और नाक में डालने के लिए जो मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले आपको बताया वो वाला काम आप भी कर सकते हैं, या आप नाक के अंदर कलवंजी के तेल के 1-2 कतरे जो है वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा गर्म पानी से भाप लें, दिन में 2 या 3 बार भाप लेने से साइनोसाइटिस बहुत तेजी से ठीक होता है। अगर 3 हफ्ते तक वक्फे से या मुसलसल साइनोसाइटिस की इलामात हैं तो ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस बन सकता है। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को लिंक साइनोसाइटिस का ज्यादा शिकार हो जाते हैं। उम्र के साथ साथ नाक के कार्टिलेज होते चले जाते हैं जिनसे नाक में इंफेक्शन का खदशा ज्यादा हो जाता है। नाक की हड्डी टेढ़ी हड्डी या नाक में मौजूद वदूद भी साइनोसाइटिस का बायस बन सकते हैं। दांतों की इन्फेक्शन से भी सांस की इन्फेक्शन हो सकती है। तकरीबन 20% साइनोसाइटिस के मरीज भी बीमारी की वजह नाक के वदूद या उनके पॉलिप नेजल यानी उनका वदूद का टेढ़ा और उसकी वजह से नाक टेढ़ी नजर आती है। 3 माह से जायद रहने वाली साइनोसाइटिस की इलामात को ख़त्म करने के लिए कभी कभार डॉक्टर जो है वो आपको अक्सर 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते लगातार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाते हैं, जो कि सरीहन इंतहाई गलत है इस केस में, जिसकी वजह से आपकी वो इलामात तो वक्ती तौर पर थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं, लेकिन मरीज एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते करते मेदे का, आंतों का और कई सारी जिगर का प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है, उसके गुर्दे खराब हो सकते हैं। ऐसे मरीजों में 2 या 3 माह के वक्फे से तमाम इलामात दोबारा फिर नमूदार हो जाती हैं, यानी उन्होंने अगर अंग्रेजी दवाइयाँ खाई और उससे वक्ती थोड़ा सा फ़ायदा हुआ तो फिर उसके बाद दोबारा इलामात जाहिर हो जाती हैं, और साइनोसाइटिस के मुतालिक मरीजों में दीगर वजूहात को ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है जो इस बीमारी का बायस बनती हैं।
अक्सर अद्वियात के इस्तेमाल के बाद भी साइनस बंद रहें और इलामात दूर ना हो तो मरीज को डॉक्टर जो है वो सर्जरी या लेजर सर्जरी के मशवरे देते हैं, हालांकि वो भी बेसूद और रायगा है मासवे सर्विस के डॉक्टर जो है वो अच्छे पैसे कमा लेते हैं उससे, मरीज से, उनके घर वालों से, या फिर जो है वो उस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं उन बच्चों पे या उन बड़ों पे जिनको साइनसाइटिस का ऑपरेशन जो है वो तजवीज किया जाता है। साइनसाइटिस के लिए नए इकदाम जो हैं वो बेसिकली क्या है कि साइनसाइटिस अगरचे बहुत मामूली बीमारी है मगर इसका वक्फा वक्फा से नमूदार होना मरीजों के लिए इंतहाई तकलीफ देह है। 1999 में ये दरियाफ्त किया गया कि तमाम अफराद की नेजल कैविटी में फंगस मौजूद होता है। साइनसाइटिस के क्रॉनिक मरीजों में जिस्म का दफाई निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम मखसूस सफ़ेद जर्रात ज़्यादा मकदार में खारिज करता है, एसेनोफिल कहा जाता है। नाक में मौजूद फंगस को ख़त्म करने के लिए खून में इन सफ़ेद जर्रात का ज़्यादा बनना एक फितरी अमल है। इन सफ़ेद जर्रात की ज़्यादा मकदार में मौजूदगी सोजिश का बायस बनती है। इस फंगस से निपटने का एक तरीका तो यह है कि नाक को मस्त रखा जाए, दिन में कई बार नाक को पानी से साफ करें जैसा कि वुजू के दौरान हम करते हैं। माहिरीन इस पर भी काम कर रहे हैं कि अगर साइनसाइटिस के मरीजों को एंटीवायरल या एंटीबायोटिक अद्वियात देने की बजाय एंटी फंगस अद्वियात दी जाए तो उनका नतीजा क्या हो सकता है। माहिरीन का एक ग्रुप इस रिसर्च पर भी काम कर रहा कि मरीज को एंटी ल्यूकोट्राइन अद्वियात दी जाएं, खसूसन उन अफराद को जिनको दमा या साइनोसाइटिस लाग है। एलर्जी की वजह से मुदाफती निज़ाम ऐसे अनासर खारिज करता है, ल्यूकोट्राइन कहते हैं। ये अनासर सांस की नालियों, नाक और नाक के पिछले हिस्से में एलर्जी से सोजिश पैदा करते हैं जिनसे इलामात शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। ऐसी हालत में 2-4 मरीजों के लिए नाक या मुंह में किए जाने वाले स्प्रे भी मार्केट में डॉक्टर आपको लिखते हैं। अब एंटीबायोटिक्स को भी स्प्रे की शक्ल में लाया गया है जिससे दवा सीधी सोजिश शुदा हिस्सा पर तो पहुंच सकती है लेकिन दोस्तों उनको ठीक नहीं कर सकती। यही वजह है कि ये मरीज फिर लंबे अरसे के लिए मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहते हैं और फिर इनके नाक की हड्डी जिसको वो कहते हैं और वो बेसिकली पोलिप नेजल्स वदूद होते हैं उनका टेढ़ापन हो जाना और उसके बाद फिर मुख्तलिफ मसाइल और मुसीबतें और परेशानियां उसको घेरे रखती हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसके लिए तिब्ब नबी और तिब्ब कुरानी जो इलाज बिलगज़ा के साथ और ख़ास तौर पर परहेज और उन हर्ब्स चीज़ों के साथ कुदरती चीज़ों के साथ इलाज इसका जो है वो मुमकिन है जिसके बाद उनके साइनोसाइटिस और ख़ास तौर पे ये जो एलर्जी और जिसमें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और ख़ास तौर पे पोलन एलर्जी वगैरह ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर हो सकता है बशर्ते कि अगर हम अपनी तिब्ब नबी हमारा जो इस्लामी निज़ाम सेहत है हमारा जो इस्लामिक मेडिसन है हमारी जो अपनी ईस्टर्न मेडिसन है उसकी तरफ लौटाएं। ये जो वेस्टर्न मेडिसन आई और हम वेस्ट के फिर कर्ज मकरूज भी हो गए और कर्जों तले दबे पड़े हैं उसकी वजह एक ये भी है कि हम बहुत ज्यादा अपने आप को अपने मुख्तलिफ प्यारों को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज मुआवजा के लिए सारी जिंदगी अंग्रेजों की दवाइयों के ऊपर लगाए रखते हैं। इसके साथ ही बस में बैरवी में अपने तबीब अपने मालिज हबलिस नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मैरवी को आज की इस बज़्मे मैरवी में इजाज़त दीजिए। आपको कोई फर्दर मशवरा मालूमात कोई दरकार हो आप कोई रहनुमाई लेना चाहें या इस प्रोग्राम के बारे में आप कोई अपनी राय देना चाहें तो आपके सामने मेरे मोबाइल नंबर आ रहे हैं आप उन नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हम सब का हामी व नासिर।